पास मिल्क मेड ना हो तो आप इसमें पाउडर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप चीनी डालें तो पानी की जगह आप 3 चम्मच दूध इसमें डालना। ये अच्छे से मिक्स हो गया, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको अब हम कटोरियों में सेट करेंगे। मैंने इस तरह की कटोरियों में सेट करूंगी, आप इनको डिस्पोजल कटोरियों में भी सेट कर सकते हैं। इसपे सबसे पहले हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर या घी, जिससे कि ये चिपकेंगी नहीं और आसानी से बाहर आ जाएंगे। आप घी की जगह इसमें क्लीन रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इसको इस तरीके से अच्छे से सेट कर ले जिससे कि ये टूटे ना। इसी तरह मैं सभी कटोरियों में इसको सेट कर लेती हूँ। देखिए, सभी कटोरियां हमारी तैयार हैं। अब हम इनको ठंडा होने देते हैं और इसी के साथ इनको सेट भी होने देते हैं। अब हम बनाएंगे इंस्टेंट रबड़ी। इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए मैंने 1 गिलास दूध लिया है। उबाल आने तक इसको चलाते हुए ही हमें इसे पकाना है। दूध में उबाल आ जाए तो इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, ब्रेड, ये मैंने व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप इसमें ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 चम्मच चीनी, 2 मिनट के लिए इसको चलाते हुए ही पकाना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, इलायची पाउडर से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। रबड़ी हमारी बनकर के तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। आधा घंटा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। कटोरियां हमारी अच्छे से सेट हो गई है और रबड़ी भी हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है। अब हम इनको प्लेट में निकालेंगे। इनको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा करना है, हल्का सा हाथ मारना है इन पे, टैप टैप करना है और ये बाहर आसानी से निकल जाएंगे। अब हम डालेंगे इनमें रबड़ी। तो देखिए, सिवई कटोरी हमारी बनकर के तैयार है। बहुत कम समय में ये बनकर के तैयार हो जाती है और खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।